तो ब्राजर एक रॉबरी हो गई है डायमंड्स की, और ये केस मिला है एक ऐसे जिद्दी पुलिस वाले को जो अपराध से इतनी नफरत करता है कि वो अपराधी को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके शक में है तीन लोग जिनमें से एक चोर है, पर चोर उससे भी ज्यादा जिद्दी जो हर उस हद के नीचे तक जा सकता है खुद को बचाने के लिए। अब भाई जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है पर फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे तो स्टार्ट होती है टेंशन, और ये टेंशन आपकी धड़कनें बढ़ा देंगी कैसे एक पुलिस वाला हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाता है उनसे सच उगलवाने को। मूवी का टेंशन, थ्रिलर, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे आप चाहे जहाँ पर भी हो, पर आपका दिमाग उसी कहानी की दुनिया में बार बार बेवकूफ बनता रहेगा। वो उठेगा, ठोकर लगेगी, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर ठोकर लगेगी, फिर गिरेगा, और इतनी ठोकरों के बाद जब उसकी आंखों के सामने सच्चाई आएगी तो उसकी तो दुनिया ही हिल जाएगी। वेल, मैं हूं शिवाय और आपको माइट्यूब सिनेमा पर, चलिए समोसों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 2008 की एक चोरी की, और चोरी हुई है डायमंड्स की। चोरी अगर बड़ी हो तो मालिक से लेकर अखबार वाले तक हर कोई चोर ही नजर आता है, और ये चोर के जरूर पिछले जन्म के पाप ही होंगे कि ये केस मिल गया हमारे जिमी सेरगिल भैया को, जो वर्दी में खुद को चुलबुल पांडे से कम नहीं समझते। तो समझ जाओ वो चोर को क्या समझते होंगे। एग्जैक्टली, काला हिरन। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन दोनों के बीच में कितना प्यार होने वाला है। खैर, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने के बाद, साम दाम दंड भेद सब लगाने के बाद उसे मिलते हैं तीन सस्पेक्ट, मंजीत देसाई, कामिनी सिंह और सिकंदर शर्मा। पर तीनों इतने ढीठ कि तीनों के मुंह से कुछ भी निकलने का नाम नहीं ले रहा, और फिर स्टार्ट होती है चीजें टेंस होना। जब सब कुछ पका पकाया आपके सामने रखा हो पर फिर भी आप उसे खा नहीं पा रहे हैं। पर पुलिस वाला भी कम जिद्दी नहीं है, उसकी ड्यूटी अब उसका जुनून बन चुकी है और उसे चोर चाहिए एट एनी कॉस्ट। उधर चोर ने भी जैसे मानो सेम कॉलेज से ही पीएचडी करी हो, दोनों बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो अब ये आपका होमवर्क है, नेटफ्लिक्स उठाओ और पता करो क्या वो पुलिस ऑफिसर इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है या नहीं। पर इतनी तो गारंटी है आपके अंदर का व्योमकेश बख्शी जिसे चोर चोर कह के चिल्ला रहा होगा वो तो कभी चोर निकलने वाला। बात करें अगर अदर फैक्टर्स की तो मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ थ्रिल का एक परफेक्ट बैलेंस है जो आपको मूवी खत्म होने के बाद एक अलग ही लेवल का सुकून देगी कि पिछले ढाई घंटे से आप अपने कमरे में नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस और थ्रिलर जर्नी में थे। फिल्म आपको वो लेवल फील कराएगी कि अगर एक पुलिस ऑफिसर अपनी जिद पर उतर आए तो वो किस हद तक जा सकता है, एट द सेम टाइम अगर एक चोर भी अपनी जिद पर उतर आए तो वो कितनी हदें पार कर सकता है। फिल्म के डायरेक्टर है नितेश पांडे, जिनके सस्पेंस और थ्रिलर पर आप शक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेबी, आईआरई जैसी मूवीज देकर। बाकी एज ऑलवेज जिमी सेरगिल ने हमें इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनका कैरेक्टर एक असली पुलिस वाले को भी कंफ्यूज कर दे कहीं भाई ये पुलिस ऑफिसर है और मैं ही तो एक्टर नहीं हूँ। फिलहाल गाइस ये थे मेरे ओपिनियंस, आपके ओपिनियन क्या है प्लीज नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको मूवीज से रिलेटेड अपडेट्स और रिव्यूज देते हैं वो भी सबसे पहले। हमारे यूट्यूबर्स न्यूज चैनल पर अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप काफी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस कर रहे हो। इस वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अभी वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपको मिलूंगा सीधा उसी वीडियो में।